अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टेस्टी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्टिक कबाब बनाना दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने टमाटर को मीडियम साइज़ के पीसेस में काट के रखे हैं, ग्रीन कैप्सिकम को भी मीडियम साइज़ के पीसेस में काट के रखे हैं। आप चाहे तो येलो या रेड कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। प्याज को भी मीडियम साइज़ में काट के रखे हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काटे रखे हैं। काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है, फ्रेश क्रीम लिया है, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, हाफ नींबू का रस को निचोड़ के रखे हैं, 50 ग्राम दही को फेंट के रखे हैं, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, स्टिक लिया है कबाब को बनाने में, और तेल लिया है फ्राई करने में। मैं यहाँ पर फॉर्चून ऑयल ली हूँ, आप चाहे तो मास्टर ऑयल भी ले सकते हैं। अब चिकन को मैरिनेशन करेंगे। पहले मैं इस पर 2 छोटे चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, उसके बाद जीरा पाउडर 2 छोटे चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1 छोटे चम्मच। अब आमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल दूंगी इसमें। हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच। अब रेड चिली पाउडर, वो भी 2 छोटे चम्मच। नींबू का रस डाल दूंगी। चार छोटे चम्मच नींबू का रस दिया है। अब पूरा दही डाल दूंगी 50 ग्राम। अब फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पर 2 टेबल चम्मच लिए थे। अब इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दूंगी रेफ्रिजरेटर में, या फिर रूम टेम्परेचर में भी आप रख सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 30 मिनट के बाद अब जो कबाब का स्टिक है वो रेडी करेंगे। पहले एक स्टिक ले लेंगे, उसके ऊपर एक प्याज का टुकड़ा पहले डाल देंगे, उसके बाद एक चिकन का पीस, और एक कैप्सिकम का पीस, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, फिर एक चिकन का पीस, अब एक टमाटर का पीस, फिर से एक चिकन का पीस, सभी चीज़ों के बीच में गैप ज़्यादा नहीं रखना है, एकदम सभी आपस में चिपके रहे ऐसा बनाना है, और ऊपर से एक फिर से प्याज का टुकड़ा। एक हो गया ये मेरा स्टिक, एक स्टिक रेडी हो गया। ऐसे तरीके से मैं सभी स्टिक को रेडी कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार एक कबाब रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए।
मेरा सारा स्टिक रेडी हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा 11 स्टिक रेडी हुआ है बहुत ही अच्छे से। इसको फ्राई करने का बारी। अब मैं एक पैन में तेल डाल रही हूँ, उसको मैं हाई फ्लेम में गरम कर लूँगी, उसके बाद मीडियम गैस का फ्लेम मीडियम करके सभी कबाब को पकाएंगे। अब जो कबाब का स्टिक है एक एक करके पैन के ऊपर डाल दूंगी। पहले मैं 5 स्टिक को पका ले रही हूँ, इसके बाद एक ही सेम प्रोसेस में बाकी के स्टिक को भी पका लूँगी। एक साइड को 1-2 मिनट के लिए पकने दूँगी, फिर उसको उल्टा कर दूँगी। ऐसे करके सारा साइड को पकाना है। देखिए कैसे कलर आ रहा है हल्का हल्का, बहुत ही सुंदर कलर आएगा पकने के बाद। अभी सभी स्टिक पक चुका है, इसे अभी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी का जो स्टिक है उसे पकाएंगे सेम प्रोसेस में। तो पहले मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब बाकी के स्टिक को भी फ्राई करेंगे। अगर इस टाइम आपके तवा में तेल थोड़ा सा कम हो जाए तो आप इस टाइम फिर से तेल डाल सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो मेरा यहाँ पर तेल कम हो गया था तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ। इसको भी चारों साइड से फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरा कबाब रेडी हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही ये टेस्टी खाना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आप घर में गेस्ट आएगा तो आप ये बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर हुआ है कलर और टेस्ट भी इसका बहुत ही सुंदर हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड जो मेरे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।